हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू क्रिस्टीना फैशन। आज मैं आपको अपने वीडियो में हाथ से साड़ी में पिको करना बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने साड़ी ले रखी है, तो इसे हमें हाथ से पिको करना है। एक साइड में वर्क आ जाता है तो सिर्फ एक ही हिस्सा रहता है जिस पर हमें पिको करना होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, आलस से उसमें मशीन ही चला लेते हैं। तो आप इस तरह से पिको कीजिए, साड़ी अच्छी भी लगेगी। तो सबसे पहले तो आपको उस हिस्से को बिल्कुल सीधा कर लेना है, जैसे मैंने ये काट के बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब मैंने अदर कलर का धागा लिया, आपको अदर कलर नहीं लेना है, आपको अच्छे से दिख सके इसलिए मैंने दूसरे कलर का धागा यूज़ किया है। आप जिस कलर की साड़ी है उस कलर का धागा यूज़ करें। देखिए, जो धागा मैंने सुई में पिरोया है वो डबल में पिरोया है, और उसका जो एक सिरा है उसको मैंने कटिंग नहीं किया, ना गांठ लगाई है। ये देखिए, जुड़ा हुआ सिरा है, उसको बड़ा रख लिया है। अब ये हमारी साड़ी है, इसको आपको हल्के से बिल्कुल बारीक सा राउंड करना है। ये इस तरह से जब आप इसको मोड़ेंगे, अगर कॉटन की साड़ी होती है तो आप हल्का सा पानी लगा के इसको रोल कर सकते हैं। सिर्फ एक बार ही जब मुंह का सिरा जो होता है उसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी नहीं आएगी। तो अगर कॉटन साड़ी है तो आप थोड़ा सा पानी लगा कर उसको रोल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने गांठ नहीं लगाई है, इस साइड में धागा जॉइंट है, ये देखिए जॉइंट है, उसमें से आप निकाल लें। एक दो बार इसको फिक्स कर लें, ये देखिए फिक्स हो गया यहाँ से। अब आपको इसको हल्के से इस तरह से रोल करना है बिल्कुल बारीक में, और थोड़ी थोड़ी सी दूरी आप तय कर लें जिससे धागा जो है वो तिरछा नज़र आए, उतनी दूरी आपको रखनी है। जैसे ये जब हम डाल रहे हैं तो ये धागा आपको तिरछा नज़र आएगा। अपनी साइड में मैं इसको रोल कर रही हूँ, ये देखिए धागे जो है वो सारे तिरछे में जा रहे हैं। बस एक बार जब आप रोल करेंगे, थोड़ा सा उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, उसके बाद में ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद ही अपने आप ही रोल होता चला जाएगा, इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो ये साड़ी का हिस्सा है, एक हिस्सा, वो पिको हो जाएगा। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका एक हिस्सा आप चाहें तो कहीं से भी इसको अटका सकते हैं, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने एक सिलाई ये लगा ली है। पहले तो हमने अपनी साइड में उसको रोल किया था, अब हम इसे वापस दूसरी साइड से पकड़ेंगे। जैसे पूरे में हमने ये एक सिलाई लगा लेनी है, अब जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से हमें दूसरा धागा लेना है, और ये इस तरह से इसको रखना है उल्टी साइड में। अब जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो नीचे चला गया है, अब जो तिरछी तिरछी सिलाई है जो हमने लगाई है वहीं पर आपको मशीन निकालनी है, जो सुई है वहाँ पर निकालनी है, अदर जगह नहीं डालनी है। जैसे ये तिरछा है, यहाँ पर हमें सुई डालनी है। तो इस तरह से जब हम सुई डालेंगे तो ये क्रॉस बनते जाएंगे। जो हमने पहले लगाया था सिलाई, उसकी जो सुई हमने डाली थी उसी में हमें वापस से सुई डालनी है। थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ये क्रॉस बनते जाएंगे और ये आपका पिकू जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो वो जो एक सिलाई है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी दूसरी सिलाई तो आप 2 मिनट में पूरा कर लेंगे। और ये दूसरी सिलाई फटाफट से लग जाएगी पूरे में, क्योंकि एक बार हम उसको रोल कर चुके हैं, दोबारा रोल करने वाला काम रहेगा नहीं।
ये देखिए बहुत ही शानदार लगेगा ये। आप तो आप इस तरह से पिकू कर सकते हैं आसानी के साथ में, वो भी घर बैठे हाथों से। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।